Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, we Sanu and you are watching Sanu Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. And today's our video is best of mongrel memes. Okay, most funny memes. अभी ये जो है ना, मैंने इस बंदे का सुना ही बड़े ही funny किस्म के जो है वो answer सबको देता है और काफी अच्छे अच्छी memes जो है वो इसकी निकल कर फिर सामने आती है. वो तो एक normal सी बात कहता लेकिन वो meme बन जाती है. तो आज इसके अंदर मंगरू की जो है मीम है वो देखने वाले हैं. वीडियो लेते स्टार. लेकिन उससे पहले गाइज, आपने पहले मंगरू की मीम देखी हुई है, आपको कैसी लगती है, मंगरू के बारे में आप लोग क्या लिखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा. और जितने लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर, आप लोग की बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी. लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज. नाम क्या है आपका? नाम मेरा मंगरू है. तो मंगरू जी, इन फ्यूचर आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? जिसमें तुम राजी हो जाओ. जिसमें मैं राजी हो जाऊं? हाँ. शकल देखी है कभी अपने आईने में? तुमने देखी है? हाँ देखी है. बिना मेकअप के? गजब यार, मंगरू ने क्या रिप्लाई दिया. हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बेस्ट ऑफ मंगरू मीम. मंगरू को अगर आप नहीं पहचानते तो आपको बता, ये वही वायरल मंगरू है जिसके पास रिपोर्टर जाता है अपने बेइज्जतियां कराने के लिए यानी कंटेंट के लिए. वीडियो में बने रहना, मजा आएगा. सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो मेड फॉर ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस, डोंट टेक इट सीरियसली. चलिए शुरू करते हैं. नाम क्या है? हाय, नाम क्या है? उपेंद्र जोगी. मंगरू. मंगरू जी, क्या हुआ है आपको? ड्यूटी से घर जा रहा था, एकदम ही पेट का दर्द शुरू हो गया. पेट में दर्द हो रहा है, कोई नंबर वगैरह है घर वालों का? बिक्की गया है दवाई लेने. दवाई लेने गया है? हाँ. कुछ खाया है सुबह से? नमकीन लिया है, दवाई के साथ खाऊंगा. नमकीन लिया है तो आप देख सकते हैं, इन्होंने दोस्त को भेजा हुआ है दवाई लेने के लिए जो कि नमकीन लेके आए. आ गई दवाई, अब ठीक हो जाएगा सारा दर्द. ये तो बियर है. हाँ. तुम तो कह रहे थे ये दवाई लेने गए हैं. हाँ, तो ये तो दवाई है. दारू नहीं दवाई है. तेरे कोपड़ी में कितना टेंशन, तेरे को मालूम क्या दवाई है? आपका नाम क्या है? नाम मंगरू है मेरा. अच्छा मंगरू जी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ एक है, हाल फिलहाल में सेट करी है. मान लो आपकी और उसकी लड़ाई हो जाती है और वो आपसे गुस्सा हो जाती है तो आप उसे कैसे मनाओगे? मनाऊंगा ही नहीं. और गुस्से में आके उसने आपसे ब्रेकअप कर लिया तो दूसरी पटाऊंगा. कितने कमीने लड़के हो. और वो दूसरी भी नहीं पटी तो तीसरी पटाऊंगा. और अभी तो रुको, और तीसरी भी नहीं पटी तब तो फिर तुमको पटाऊंगा. ये तब से लगता अपने इंतजार कर चुके हो, मुझे कैसे पटाओगे? झूठा अंजाम लगा के डिवोर्स करा दूंगा. और मैं तब भी नहीं पटी तो फिर तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा दूंगा. किससे? अपने आप से. प्यारी समझ गई. चक्का छोड़ो और कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करो. बस यही सोचते रहो तुम. हमारे देश की यूथ की सबसे बड़ी और गंदी सोच यही है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए बस जिंदगी पार है. लेकिन कोई ये सोच ही नहीं रहा कि जिंदगी जीने का असली मजा तो बिजनेस करके जीने में है. अच्छा, इतना ज्ञान दे रहे हो और खुद गरीब हो. किसने कहा मैं गरीब हूँ? किताब जो बेच रहे हो. गाजियाबाद में 150 गज का प्लॉट लिया है, 70,000 की बस 2 किस्त बाकी है. बढ़िया ज्ञान देने. देखिए ऑब्वियसली मैं एक लड़की हूँ तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि लड़कियाँ ब्रेकअप होने के बाद सैड हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं. आप लड़के क्या करते हो ब्रेकअप के बाद? क्या हुई? दारू पीते हैं. दारू क्यों पीते हो? उस लड़की को भुलाने के लिए. पीता हूँ भुलाने के लिए. उस लड़की को भुलाना क्यों चाहते हो? दूसरी पटाने के लिए. आप दूसरी क्यों पटाना चाहते हो? फिर से ब्रेकअप करने के लिए. भाई शादी कर ले एक दफा. आप फिर से ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो? दारू पीने के लिए. दारू पीने के लिए ब्रेकअप की जरूरत है? जाते वक्त मुझे देख के ऐसे मुस्कुराती थी, लगता आपके प्यार में गिर गई भाई. फिर इनने कहा तेरे लिए मन में कुछ है उसके, तो मैंने उसका 4-5 दिन पीछा किया. तो एक दिन उनने मेरे को दिखा के ऐसे नंबर लिख के पेपर में फेंका. 4-5 दिन उससे बात हुई. फिर एक दिन क्या हुआ कि ऐसे मैं उसे घुमाने ले गया ऐसी पतली गली में, मैंने किस लेने की कोशिश करी, उनने मेरे होठ पे ना थप्पड़ मार दिया तो बहुत तेज से. फिर अगले दिन उसके मेरे को फोन करके कहती है मेरे घर पे आ जाओ, कोई नहीं है, घर वाले बाहर गए हुए हैं. अच्छा, तो आप उसके घर गए होंगे, उसके मम्मी पापा वापिस आ गए होंगे और आपको पुलिस में बंद करा दिया होगा? नहीं,
उसकी मम्मी पापा वापस नहीं आए थे, इसको मैं लेके गया था ना कि मैं ऊपर छत पे चले जाऊंगा तो तू नीचे ना पहरेदारी करियो। इस साले ने उसके घर का सिलेंडर ही ठस मार दिया और दो मोबाइल। अच्छा है ना अंधा ऐसा नहीं होता है। आपका नाम क्या है? उपेंद्र जोगी। आए? आपका नाम क्या है? अरे खा लूं पहले। रिपोर्टर भी जहाँ मर्जी पहुँच जाते हैं। आपकी नजर में कौन सा रिलेशनशिप ज्यादा बेस्ट है? मेरी नजर में सबसे बेस्ट रिलेशनशिप है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और बहुत सही है। वो कैसे? क्योंकि उसमें चारों खुश रहते हैं। चारों? चारों कैसे? बस समझने वाले समझ गए। बताओ ना, मैं समझी नहीं। तुम्हें दिमाग होगा तब ना समझोगी। उसके भी माँ बाप खुश रहते हैं, उसके माँ बाप भी खुश रहते हैं, रोज रोज का मिलने का नहीं होता। चारों लोग खुश, ठीक है। तो मुझे तो समझ आ गई, आप लोगों को समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो बहुत ही मजे की थी, बहुत अमेजिंग थी यार। मैं रिपोर्टर्स वाकई है, ये जो रिपोर्टर्स होते हैं ना कहीं भी लेके कैमरा और अपना जो होता है ना वो क्या उसे कहते हैं माइक लेके कहीं भी चले जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि कोई खा रहा होता है, ठीक है, फैमिलीज इंजॉय कर रहे, तो कई लड़के लड़कियां जो होते हैं वो डेट पे गए होते हैं, ठीक है, उनके पास भी चल जाते हैं, हाँ जी आप इसके बारे में क्या कहती हैं, ठीक है। फिर लोग कैमरे से आजकल काफी ज्यादा छुपते हैं, रिपोर्टर्स को फिर ऐसी ऐसी बातें पड़ती हैं, ठीक है, आगे से फिर वो भी सीधे हो जाते हैं ऑडियंस भी, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।